हेलो फ्रेंड, मैं उड़ीसा की फिश फ्राई आपको सिखाऊंगी। पहले हल्दी नमक डालकर मछली को रख दीजिए, फिर उसमें तेल में फ्राई कर दीजिए इस तरह। फ्राई हो गया है, हम उसमें एक बाउल में निकाल देंगे। फिर उसमें कढ़ाई में तेल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, ये उबला हुआ आलू है, तेल में प्याज डालेंगे, एक टमाटर डालेंगे, उसे अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, फिर दरदरा अदरक लहसुन पेस्ट उसमें डालेंगे। और थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। फ्राई हो गया है, फिर उसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच अच्छी तरह से उसे मिक्स करेंगे, नहीं तो हल्दी स्मेल आएगा। फिर उसके बाद लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच उसमें डालेंगे, आंच गैस की आंच धीमी कर देंगे, नहीं तो मसाला जल जाएगा। फिर गरम मसाला पाउडर और चिकन मसाला पाउडर उसमें डालेंगे आधा आधा चम्मच, और नमक आधा चम्मच स्वाद के अकॉर्डिंग उसमें डालेंगे। अच्छी तरह से उसे मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी देकर उसे और थोड़ा सा उसे मिक्स करेंगे। उस समय के लिए हो गया है, मसाला से तेल निकल रहा है। फिर हम उसे उबले हुए आलू को उसमें डालेंगे, आलू ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं डालें चलेगा, कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। फिर उसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। इस फ्राई में हम पानी नहीं रखेंगे, थोड़ा सा बहुत कम रखेंगे। फिर उसमें हम क्या करेंगे, मछली डाल देंगे, फिर उसे हम कवर दे देंगे, 5 मिनट तक उसे पकाएंगे। अगर आपके पास धनिया का पत्ता होगा तो डालिए, नहीं तो ऑप्शनल है। हो गया है, फिर हम उसमें दालचीनी की पाउडर थोड़ा सा उसमें डालेंगे और टेस्ट आता है उसमें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।